की है पवन यादव। लड़के पकड़े गए और विधानसभा में नाम लिया गया, वो लड़का आया है एक यादव। आइए आइए, ये बेचारा चाय पी रहा था। अगर जो मैं किया होता तो मुझे बुरा ना लगता। मैं उस वीडियो में था भी नहीं, वहाँ था भी नहीं उस दिन भी, और मुझे सुबह तक मैटर ही नहीं पता चला है मुझे किस लिए उठाया गया। ना मेरे घर वालों से बात कराई गई है, ना मुझे किसी से बात कराई गई है। लखनऊ के गोमती नगर में 31 जुलाई को बारिश के दौरान एक लड़की से छेड़खानी का वीडियो वायरल हुआ था। इस मामले में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। मामले में पवन यादव को भी आरोपी बनाया गया था। इस मामले में उसे जेल भी भेजा गया। वहीं गुरुवार को उसे जमानत मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद पवन ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और खुद को निर्दोष बताया है और कहा है कि मैं यादव हूं, शायद इसीलिए मुझे फंसा दिया गया। अखिलेश भैया को मैं धन्यवाद बोलता हूं, जो मेरी मुसीबत समझा, क्योंकि मैं नहीं था उस दिन। उनको ये बात बताई गई, उन्होंने सब कुछ करके सही जांच करके मेरा नाम बोला कि मैं नहीं था। उसके लिए मैं उनको धन्यवाद बोलता हूं। हां, मैं दोषी तो नहीं था, मैं वीडियो में नहीं था, पर अब उनके पास जो गया होगा नाम, हम जो भी अधिकारियों ने भेजा होगा उन्होंने लिया क्लियर। अभी तो कन्फर्म ही नहीं हुआ था किसी को, पुलिस वालों को था ही नहीं, मतलब जो भी थे उनको पता तो था मैं नहीं हूँ, बस यही चीज़ है। अब मैं कैसे सच्चाई बताता अपनी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना सबके बीच में। कैसे साबित हुई सच्चाई आज आप? सच्चाई क्या, मैं वीडियो में हूँ ही नहीं, मैं वहाँ पे था ही नहीं उस दिन, बस यही सच्चाई है। क्या वजह रही आप थे भी नहीं उसके बाद भी आपका नाम? जो भी हो, पवन यादव शायद नाम था इसलिए। बाकी यहाँ पे अखिलेश जी से क्या कुछ नहीं? अखिलेश भैया ने तो बोला कुछ नहीं, डरो मत। ये वो आप कितना संतुष्ट हैं यहाँ बातचीत? सही, एकदम 100%। बहुत पैरवी करी वहाँ पे, बस अच्छा लगा कि कोई तो मेरा बोलने वाला था। हाँ, खराब तो ये बेइज्जती तो ये मेरी, मतलब अच्छा नहीं लगता ना ऐसे किसी भी लड़के को फर्जी उठाना। अगर जो मैं किया होता तो मुझे बुरा ना लगता। मैं उस वीडियो में था भी नहीं, वहाँ था भी नहीं उस दिन भी, और मुझे सुबह तक मैटर ही नहीं पता चला है मुझे किस लिए उठाया गया। ना मेरे घर वालों से बात कराई गई है, ना मुझे किसी से बात कराई गई है। वही गलती कहेंगे सब, सबकी तो गलती सोच होगी ना। जी, वो तो फोटो जान मुझे खिंचाई गई थी, मतलब मैं नहीं खिंचवा रहा था, बस बोला फोटो खिंचवा लो आप चले जाना, ये वो, तो मैंने खिंचवा लिया। मुझे मैटर भी नहीं पता था, अगर जो लड़की का कुछ मैटर होता तो मैं हाथ ना जोड़ता। बता दें कि पवन यादव का नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में लिया था, इसको लेकर भी राजनीति गर्मा गई थी। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बिना नाम लिए सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि वो बेचारा चाय पी रहा था, पुलिस आई गिरफ्तार कर ले गई। अखिलेश यादव ने कहा कि सदन में और भी नाम पढ़े जाने थे, लेकिन पढ़े सिर्फ दो नाम गए, अब वो भी जेल से छूट आया है। सोचिए कैसी सरकार है जो अन्याय कर रही है और लोगों को अपमानित कर रही है। जब वो लड़के पकड़े गए और विधानसभा में नाम लिया गया, वो लड़का आया है एक यादव। आइए आइए, ये बेचारा चाय पी रहा था, पुलिस वालों ने इसे पकड़ा। और मुझे पकड़ने की बात नहीं है, पकड़ने में तो जांच होगी तो छूट जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन जिन अधिकारियों ने अपना रुतबा बनाने के लिए और सरकार की इमेज को ठीक करने के लिए इन्हें थाने में पकड़ा गया, हाथ जोड़ करके तस्वीर छापी है, मैं इनसे भी कहूंगा उनको मत भूलना और हम लोग भी नहीं भूलेंगे। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।